हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मैजिकल वर्ड देखने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जी हाँ, हमारी सावन की महीना अब चल रहे हैं। सावन यानी बहुत ही प्यारी महीना होती है हमारे जो भोलेनाथ के लिए, यानी कि शिव भगवान के लिए। और शिव जी की जो इस प्यारे महीने जो होती है, आप बहुत सारे विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी विश को आप लोग पूरी कर सकते हो, क्योंकि ये जो सावन का महीना होता है पूरी तरीके से हमारे जो शिव जी के लिए ही बहुत ही पावरफुल माना जाता है। और इस महीने में आपकी कोई भी विश जो होती है वो बहुत जल्द पूरी होती है, क्योंकि शिव जी को जितना भी हमारी जो शिव जी का पूजा करते हैं और शिव जी के लेकर जो भी हम लोग टेक्निक्स करते हैं, उस सब कुछ जो भी मंत्र होता है, जो कुछ भी होता है इस महीने में अगर हम लोग करते हैं, उसकी हमें तो हमेशा जो शिव जी के जो अच्छी रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इस महीने में 10 गुना बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही प्यारी जो वर्ड बताने जा रही हूँ जो आपको हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने में बहुत ही मदद करेगी। और ये जो मैजिकल वर्ड है ये आपकी कोई भी विश के लिए यूज़ कर सकते हो। और मैं कुछ स्पिरिचुअल टिप्स भी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप इस जो सावन के महीना में यूज़ कर आपकी कोई भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे कि जो सावन महीना होता है बहुत ही पावन का महीना होता है, और शिव जी के लिए आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट से माना जाता है कि लव रिलेटेड यानी कि आपके मैरिज रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो शिव जी बहुत जल्द पूरी करते हैं। इस महीने में अगर आपके मैरिज के लिए डिले हो रही है, आपके मैरिज को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या स्पेसिफिक पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, लड़का का या लड़की का पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कोई भी आपकी जो भी लव रिलेटेड या फिर आपके मैरिज होकर भी आपके जो पर्सन के साथ आपकी अच्छी रिलेशन नहीं है, तो कोई भी चीज़ हो आपके लव लाइफ रिलेटेड, शिव जी जो होते हैं ये सावन के महीना जो स्पेसिफिकली हर एक लव रिलेटेड प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देते हैं। तो मैं आज ऐसी एक टेक्निक जो मैजिकल वर्ड बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी जो लव लाइफ ही नहीं और जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में उसके लिए ये यूज़ कर सकते हो। चाहे वो आपके जॉब हो, मनी हो, या आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो, आपकी हाइट या आपके जो फेस में ग्लो, जो आपको बहुत अच्छे से आपकी बहुत ही प्यारी एक जो वेट आपको लॉस करना है या आपको गेन करना है, कुछ भी हो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये आपको बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करेगा। आपको इसे हर रोज़ बस चैंट करना है। तो चलिए देखते हैं, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग जो शिव जी की बहुत ही प्यारी जो मैजिकल वर्ड देखने जा रहे हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली वर्ड है, और वो वर्ड है शिव मैजिक बिगिन नाउ। जी हाँ, शिव मैजिक बिगिन नाउ, शिव मैजिक बिगिन नाउ। आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो वर्ड आपको कहने से पहला आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपकी डर है वो दूर हो जाएगा, आपके अंदर एक अद्भुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी जो भी विश है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको ऐसे सोचने में डाल देगा कि क्यों नहीं होगा, मेरी विश ज़रूर पूरी होगी, शिव जी मेरे साथ हैं। तो इस तरह की कॉन्फिडेंस लाएगा, आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो आपको जैसे कि चुटकियों में शिव जी दूर कर देंगे जो भी प्रॉब्लम है। और अगर आपके मैरिज में डिले हो रहा है तो भी शिव जी उसे बहुत जल्द पूरी कर देंगे, जो डिले हो रही है उसे हटा देंगे, ना कि आपकी मैरिज बल्कि आपकी जो भी
लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हो, जैसे कि आप लोग पैसा अगर किसी के पास आपके जो पैसे जो है कि वहाँ पर आ नहीं रहा है, या फिर आपके जो कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी इंटरव्यू के लिए कुछ भी आप लोग कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो ये जो जो पवित्र, जो बहुत ही मैजिकल बहुत ही पावरफुल वर्ड शिव मैजिक बिगिन नाउ, इसे आप लोग चैंट करना शुरू कर दीजिएगा। तो इसे चैंट करने का जो टेक्निक, जो मेथड है वो ये है कि आपको इसे बस हर रोज 108 टाइम्स आप लोग चैंट कर सकते हो, या फिर आप लोग मैक्सिमम जितना चाहे उतना चैंट कर सकते हो। और शिव जी की जो ये प्यारी वर्ड है, तो आप लोग, मैं चाहूँगी कि 108 टाइम्स ही, यानी कि पूरी एक माला की तरह आप लोग इसे चैंट कीजिएगा। और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कि कुछ टिप्स जो है, सोमवार का जो व्रत होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि ये जो सावन के महीनों में जितने भी सोमवार आती है, जैसे कि आप जो मंडे आने वाला है, अगर आप लोग व्रत रखेंगे तो उस व्रत से अगर आपके मैरिज में डिले हो रही है तो वो हट जाएगा, पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो वो दूर हो जाएंगे, अगर आपके जो भी फैमिली में या फिर आपके पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छी नहीं है वो दूर हो जाएंगे। तो जो कि सोमवार के व्रत जो होती है वो बहुत ही मंगलकार होती है, बहुत ही पावरफुल होती है, तो सोमवार के व्रत करना आप लोग मत भूलिएगा। और जब भी आप लोग शिव मंदिर जाते हो, शिव मंदिर में शिव जी को आप लोग जो सफ़ेद फूल होती है, यानी कि जो हमारी वाइट कलर के जो भी फ्लावर्स, उसे आप लोग चढ़ा सकते हो। और आप लोगों को हल्दी जो होती है, हल्दी और जो शहद यानी हनी, ये जो तीन चीज़ें जो होती है ये बहुत ही पावरफुल होती है, मैरिज रिलेटेड, लव रिलेटेड, और फिर आपकी जो करियर रिलेटेड या फिर आपकी जो भी विश को बहुत जल्द पूरी करने में शिव जी पे ये जो है कि आपको जल के साथ ये सारी चीज़ों भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप लोग कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस सावन के महीने में शिव जी के ढेर सारे जो उनके ब्लेसिंग्स पाने के लिए ज़रूर एक टेक्निक जो आपसे मैंने शेयर किया है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हर रोज़ जो है कि आप लोग चैंट करते रहिएगा, और हमेशा जो शिव जी की जो प्यारी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसे भी आप लोग कीजिएगा, बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ जो है कि वो कम्प्लीट चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह ढेर सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, सक्सेस स्टोरी, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।